आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्लास टेंथ के मैथ्स के आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब टू डैट ऑफ ए स्फीयर विच विल एग्जैक्टली फिट इन साइड द क्यूब। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमें रेशियो क्या निकालना है कि वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम और अपॉन स्फीयर का वॉल्यूम, इसका हमें रेशियो निकालना है। और इसमें एक चीज़ ये बता रहा है कि ये जो स्फीयर है ना वो क्यूब में एकदम एग्जैक्टली फिट हो गया है, समझ में आया ना, विच विल एग्जैक्टली फिट इन साइड द क्यूब। मतलब कि जो रेशियो हमारा निकलेगा वो निकलेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और जो स्फीयर है वो जो क्यूब है उसके अंदर एग्जैक्टली फिट हुआ रहेगा, उसके अंदर रहेगा, क्यूब के अंदर। ठीक है ना, तो देखिए इसके लिए पहले तो डायग्राम से समझ ले, यहाँ पे दो चीज़ की बात हो रही है, क्यूब की बात हो रही है और स्फीयर की बात हो रही है। तो क्यूब किस तरीके से होता है, बिल्कुल स्क्वायर शेप में रहता है, मतलब क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर रहता है। क्यूब देखिएगा आप बॉक्स अक्सर देखेंगे अपने घरों में, बिल्कुल स्क्वायर शेप का बॉक्स रहता है। ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूब हो गया, ये हमारा, ये आप क्यूब समझ गए, इसको क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये देखिए ये लेंथ है, ये क्या है, ये ब्रेथ है, और ये क्या हाइट है, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो क्यूब में क्या रहता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर रहता है। अगर मान लीजिए लेंथ टू है तो ब्रेथ भी टू रहेगा, हाइट भी टू रहेगा, तभी तो बिल्कुल स्क्वायर शेप का नजर आता है क्यूब। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर रहता है, क्यूब की ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसको हम लेट मान लेते हैं कि लेंथ ब्रेथ हाइट जो इसका साइड है, मतलब कि हम लेंथ ब्रेथ हाइट ना बोल के आप सीधे ये बोल देते हैं कि जो साइड है उसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट साइड और एज भी बोलते हैं इसको, एज ऑफ ए क्यूब बी ए, हमने क्या मान लिया ए। अच्छा अब यहाँ पर साइड है तो इसकी कोई यूनिट होगी, सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी होगी, यहाँ तो बताया है नहीं, तो जस्ट आप क्या लिखेंगे, लेट साइड और एज ऑफ ए क्यूब बी ए यूनिट। ठीक है ना, ए यूनिट, यूनिट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ दिया नहीं इसलिए हमने केवल ए यूनिट यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यूनिट यहाँ सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा क्यूब हो गया, क्यूब की यही प्रॉपर्टी होती है। अच्छा अब इसमें बोल रहा है कि इस क्यूब के अंदर स्फीयर डालना होगा, स्फीयर जो है एग्जैक्टली इसके अंदर फिट है, मतलब कि क्यूब के अंदर स्फीयर का मतलब क्या है, आप क्रिकेट बॉल देखते हैं ना, बिल्कुल उसी को, वही स्फीयर है, क्रिकेट बॉल का आप शेप देखते हैं ना, थ्री डायमेंशनल, वो स्फीयर है। तो अब उसको आपको इस क्यूब के अंदर ये बिल्कुल फिट है, क्यूब के अंदर डाला हुआ है, तो क्यों कैसे डाला होगा स्फीयर, वो जो स्फीयर है इसके अंदर डालने के लिए कि इसके अंदर एग्जैक्टली एकदम फिट हो जाए, तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा क्यूब है ना, ये हमारा क्यूब है, इसके अंदर मैं वो स्फीयर बना रही हूँ। ठीक है ना, स्फीयर जैसे मान लीजिए इसके अंदर डला हुआ है, स्फीयर इस तरीके से डला हुआ, यही ना बॉल है, यही ना स्फीयर है। देखिए इसको आप ना क्रिकेट बॉल एज्यूम कीजिएगा, सर्कल मत समझिएगा, सर्कल होता है वन टू डायमेंशनल। ये हमारा देखिए एग्जैक्टली फिट होने का मतलब क्या, कि इस क्यूब के अंदर ये बॉल, इसके स्फीयर का मतलब यहाँ पर आप क्रिकेट बॉल एज्यूम कीजिएगा, इसके अंदर डला हुआ है। तो इसके अंदर कब जाएगा, कोई भी चीज़ को अगर आपको किसी चीज़ में डालना है कि वो फिट बैठे, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा। अब इसमें हमें क्या देखना है, इसमें देखिए ये हमारा स्फीयर है, ये देखिए जो सर्कल शेप दिख रहा है ना, स्फीयर है, तो ये स्फीयर है तो इसका डायमीटर, ये देखिए ये स्फीयर है तो इसका डायमीटर होगा ना, ये डायमीटर है ना, इसका नाम दे दूँ ए और ये बी, ये डायमीटर है, तो यहाँ पर मैं लेती हूँ ए बी, क्या है डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर। तो ये इसके अंदर है, इसका मतलब ये है कि जो स्फीयर का जो ये डायमीटर ए बी है, और ये जो साइड, ये जो इस क्यूब का ये जो लेंथ है, ये और ये अगर बराबर होगा भाई, ये क्यूब का ये एल क्या बता रहा है, लेंथ, ये और ये स्फीयर का डायमीटर ए बी, मतलब कि इसको ऐसे लिखिए ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यूब, ये लेंथ और ये डायमीटर अगर ये दोनों बराबर होगा तभी तो स्फीयर इसके अंदर फिट होगा ना, तभी तो इसके अंदर जाएगा क्यूब के अंदर, समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए कि इसका ये डायमीटर स्फीयर का, मान लीजिए कि ये हमारा क्यूब है, क्यूब का ये लेंथ है, अगर ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो हमारे पास जो स्फीयर है इसको, जिसको कि आप क्रिकेट बॉल एज्यूम कीजिएगा, उसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ क्यूब का 2 है और जो हमारे पास स्फीयर है उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तो क्या इसके अंदर जाएगा, अटेगा, नहीं अटेगा ना, कब अटेगा, इस क्यूब के अंदर एग्जैक्टली फिट कब होगा, जब हमारा
स्फीयर का भी जो डायमीटर है, ये लेंथ डायमीटर, ये लेंथ लंबाई डायमीटर की बिल्कुल एग्जैक्टली क्यूब के लेंथ के बराबर होगा, तभी स्फीयर इसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हमने क्यूब, इसको हमने लेंथ माना है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है क्योंकि ये हाइट है। अब मैंने बता दिया कि लेंथ बोलिए चाहे ब्रेथ बोलिए चाहे हाइट बोलिए, तीनों तो बराबर रहता, तो उसको मैंने ए मान लिया है। तो ये लेंथ ना बोल के हम इसको ये भी बोल सकते, ये ए ए है सब, ये क्या है, ये ए है, लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, हाइट भी हमारा ए है, सब ए ए बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होना चाहिए, बराबर साइड ऑफ क्यूब, यही ना होना चाहिए, ये दोनों बराबर होगा तभी जाएगा स्फीयर क्यूब के अंदर। तो डायमीटर ऑफ ए स्फीयर और साइड ऑफ ए क्यूब, ये दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों की वैल्यू ए होनी चाहिए, मतलब ये डायमीटर की वैल्यू भी ए होनी चाहिए और ये क्यूब का जो लेंथ है जो साइड है ये भी ए होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया, ए यूनिट लिख दीजिए, ये आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेशियो किसका, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, देखिए ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब टू, टू का मतलब होता है अपॉन, ये अपॉन दैट ऑफ ए स्फीयर, टू दैट ऑफ ए स्फीयर मतलब कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हमें निकलना वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, ये हमें रेशियो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं अलग से, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, वो होता है साइड का होल क्यूब, ये फार्मूला है क्यूब का। तो साइड हमने क्या माना है भाई, ये तीनों साइड ही तो है ना, ए माना है हमने, तो ए का होल क्यूब यानी कि ए क्यूब हुआ। अब उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, तो इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। ठीक है, अच्छा हमें अभी रेडियस तो निकाला है नहीं, तो स्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना है, वो भी ए है। तो डायमीटर दिया हुआ है स्फीयर का, जैसे मैं डायमीटर जो है स्फीयर का डी से डिनोट कर रही हूँ, वो दिया हुआ है ए। तो हमको देखिए फॉर्मूले में क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो पहले हमें रेडियस निकालना होगा ना, तो डायमीटर हमें दिया तो रेडियस क्या होता है, जस्ट डायमीटर का हाफ कर दीजिए, यानी कि ए अपॉन टू हुआ, ये डायमीटर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए आर कितना है, अब देखिए हमको यहाँ पे आर क्यूब है, तो आर चाहिए ना रेडियस, तो डायमीटर तो हमें पता है स्फीयर का, तो पहले हमको रेडियस निकालना होगा, तो रेडियस क्या होगा, ए अपॉन टू हुआ। अब हम यहाँ पे रखेंगे रेडियस की जगह, तो रेडियस आर की वैल्यू कितनी दी, ए अपॉन टू, यहाँ क्यूब लगा, यहाँ क्यूब लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और ए अपॉन टू का होल क्यूब, तो इसको 3 बार इंटू करिए, पहले ए को 3 बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा, ए क्यूब, और उसी से 2 को 3 बार इंटू करिए, 2 2 4 4 2 8, ये आया। तो ये हमारा स्फीयर का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमको रेशियो चाहिए, तो रेशियो में क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, यही निकालना हमें। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आया है, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब है, तो ए क्यूब अपॉन, और ये क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम स्फीयर ये है, तो यहाँ पर लिखिए 4/3 पाई ए क्यूब अपॉन 8, ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ए, ये क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब लिखिए अपॉन, अब देखिए यहाँ पे ये नीचे पे ध्यान दीजिए, नीचे में न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर में क्या क्या है, ये 4 है, ये पाई है और ये ए क्यूब है, तो ये नीचे वाला जो टर्म है ना, इसमें आपको ऊपर नंबर दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा होगा, तो जो न्यूमरेटर है वो क्या है, 4 पाई और ए क्यूब, तो इनको एक साथ लिख दीजिए, अपॉन डिनोमीटर में क्या, 3 और 8 है ना, तो 3 8 जाए क्या होगा, 24 लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये ए क्यूब हो गया, ये डिवाइड है, इसको इनटू में कन्वर्ट कर दीजिए, डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 24 ऊपर चला जाएगा और ये वाला टर्म इसके नीचे आ जाएगा, ये आ गया। तो देखिए ए क्यूब कैंसिल, 4 6 24, तो क्या आ रहा है, 6/π आ रहा है, तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है, 6 रेशियो क्या रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा क्या रहा है, 6/π, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6:5 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।